मौसम ने रौद्र रूप दिखाया तो जिंदगी की रफ्तार पर मानो ब्रेक सा लग गया। घर पानी में डूबे, लोग घरों में फंसे और आसमान से बरस रही आफत के बीच जिंदगी की जंग शुरू हो गई। कर्नाटक के कई जिलों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। शिवमोगा में एक ट्रेन ऐसी ही तूफानी बारिश की चपेट में आ गई, जिसके बाद मौसम की मार की ऐसी तस्वीरें सामने आई जैसी तस्वीर आपने पहले कभी ना देखी होगी और ना सुनी होगी। कोच की खिड़कियों पर मानो कोई सैलाब टक्कर मार मार कर अंदर घुसने को बेकरार हो। खिड़कियां बंद हैं, इसके बावजूद पानी की ताकतवर धार रास्ता बना ही ले रही है। ट्रेन के भीतर का ये मंजर खौफनाक है और इस ट्रेन पर सवार मुसाफिर डरे हुए हैं। पानी के जोर के आगे ट्रेन के कोच बेपटरी हो गए। ट्रेन के दोनों तरफ मलबे का अंबार है और ट्रेन की इस हालत की वजह भी ये मलबा ही है। ये हादसा निजामुद्दीन वास्को डिगामा एक्सप्रेस के साथ हुआ। चिपलून के पास रेल ट्रैक में पानी होने की वजह से ट्रेन डाइवर्ट हो गई थी, लेकिन बेलगावी में भी ट्रेन का सामना तूफानी बारिश से हो गया। जोरदार बारिश के चलते ट्रैक के आसपास कई जगहों पर जमीन धस गई। दूध सागर सोनलिम सेक्शन के पास पटरियां उखड़ गईं। इसके चलते ट्रेन के कुछ कोच पटरी से उतर गए। रेलवे ट्रैक पर मुसीबत भरा ऐसा ही सैलाब शिवमोगा में भी नजर आ रहा है। ट्रैक पानी में डूबे हुए हैं और ट्रैक के इर्द गिर्द भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। कर्नाटक में बादलों का कहर सिर्फ ट्रेन की पटरियों पर नहीं, सड़कों और रास्तों पर भी टूट रहा है। उत्तर कन्नड़ जिले में पहाड़ी सड़क का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश से आधी सड़कें गत्ते की तरह टूटकर बिखर चुकी हैं। ठीक बाजू में गहरी खाई है, बाकी बची सड़क भी ना धस जाए इस डर से यहां से गुजर रहे लोग जहां के तहां थम गए हैं। रिहायशी इलाकों का हाल देखिए, मकानों की छत तक पानी पहुंच गया है। दरवाजों पर बोट लगी हैं, बाकी गाड़ियां किसी काम की नहीं हैं। थोड़ा बहुत जरूरी सामान लेकर लोग घरों से भाग रहे हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर भी मंडरा रहा है, लेकिन नीचे मदद की जरूरत काफी ज्यादा है। करीब महीने भर के अंतराल के बाद कर्नाटक में मॉनसून का तगड़ा पलटवार हुआ है। खौफ और बेबसी की ऐसी तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं। बेलगावी से इम्तियाज मुजव्वर के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको कुछ और राज्यों में आसमान से बरसती मुसीबत की तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद शहर शहर सड़कों पर सैलाब है, इलाके डूब गए हैं और लोग मौसम की मार झेल रहे हैं। वहीं राजस्थान में बारिश के चलते रास्तों पर लग चुका है ब्रेक। जब बादल टूटकर बरसते हैं तो शहरों में भी आ जाता है सैलाब, गलियां बन जाती हैं दरिया, गाड़ियां नाव सी तैरती नजर आती हैं और इंसान चार दीवारी में कैद होने पर मजबूर हो जाता है। मध्य प्रदेश के शहर शहर में बादल जमकर बरस रहे हैं और लोगों पर राहत की बजाय मुसीबत बरसा रहे हैं। एमपी के श्योपुर में दो घंटे की बारिश ने सड़कों को डुबो कर रख दिया। बाजार में घुटनों भर पानी भर गया और लोग मुसीबत की मार झेलने को मजबूर हो गए। ऐसा नहीं है कि मौसम की ये मार सिर्फ शहरी इलाके के लोगों को झेलनी पड़ रही है, गांव में तो बारिश अलग ही आफत लेकर आई।